महिला कांस्टेबलों ने दिखाई इंसानियत। नशेड़ी पिता की मासूम बच्ची को अपना दूध पिलाकर बचाई उसकी जान। महिला कांस्टेबल की इस इंसानियत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। राजस्थान के बरा जिले में दो महिला कांस्टेबल ने इंसानियत की मिसाल पेश कर लोगों का दिल जीत लिया है। दोनों ने ढाई माह की एक मासूम बच्ची को दूध पिलाकर मानवता का परिचय दिया है। बच्ची अपने नशेड़ी पिता के साथ भीषण गर्मी में भूखी प्यासी बिलख रही थी। उसकी हालत देखकर महिला कांस्टेबल को तरस आ गया और उन्होंने बिना देरी किए उस मासूम को अपना दूध पिलाकर उसकी जान बचा ली। मीडिया को इस मामले की जानकारी देते हुए थाना इंचार्ज महावीर किराड़ ने बताया कि एक ढाई माह की मासूम के लिए थाने में तैनात दो महिला कांस्टेबलों ने यशोदा माँ बनकर बारी बारी से अपना दूध पिलाकर उसकी जान बचाई। उन्होंने बताया कि 4 मई की दोपहर सूचना मिली थी कि एक 30 वर्षीय शख्स नशे की हालत में थाना इलाके के बाबड़ के जंगली क्षेत्र से पैदल गुजर रहा है। उसके साथ एक मासूम बच्ची भी है। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शख्स को हिरासत में ले लेती है जो नशे में धुत था। उसके पास से मिलने वाली मासूम बच्ची भीषण गर्मी की वजह से बिल्कुल बेहाल थी। उसे थाने लाया गया जहां बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में मौजूद महिला कांस्टेबल मुकलेश और पूजा ने उस बच्ची को अपनी छाती से लगा दिया। दोनों ने बारी बारी से उस मासूम को अपना दूध पिलाया। पुलिस ने मामले की जांच कर बच्ची की मां को इसकी सूचना दी। थाने में मासूम की मां के आने तक उन दोनों महिला कांस्टेबलों ने उस बच्ची को संभाला। उन दोनों मुकलेश और पूजा के मुताबिक हमारे दोनों के एक एक साल के बच्चे हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि एक अनजान आदिवासी बच्ची ने हमारा दूध पिया। उनकी इंसानियत को देखते हुए हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। तो इस इंसानियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।